झामुमो के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने हेमंत सरकार से विकास की नई गाथा लिखने का दावा किया है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से पेश किए गए बजट का सभी का ख्याल रखने का दावा किया गया है। साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और कहा एकत्रित होते हैं कि आपको पता है जानते हैं 50वां स्थापना दिवस में हम लोग जमा हुए हैं, आगे भी होंगे। आज की तरह तो दोस्तों किसी भी विषय पर कोई भी चीज पर कोई बात याद रखने के लिए बनाने के लिए एक तिथि निर्धारित होता है जिस पर लोग एकत्रित होते हैं, जैसे हम लोग 4 फरवरी वैसा ही ड्यूटी और आज हम लोग दुमका में हर एक जिला में अपना अलग अलग तिथि निर्धारित हुआ है जिस पर लोग मनाते हैं। अब झारखंड अलग होने के बाद अलग राज्य हम लोग पा गए हैं तो अलग वाला बात विजय थोड़ा स्थगित हुआ है, थोड़ा नरमी आ गया उसमें। राजीव मिल गया तो कैसे चिल्लाना है, अब चिल्लाना है ज्यादा वक्त नहीं लिए बगैर गुलाम जी रखो अब विकास कितने हुआ लोगों से मेहनत करा हुआ जब क्यों रोड़ा और वो जरूर और वो पढ़ा भी जरूरी कर पूरा करते पूरे कर पढ़ा गुरु को पढ़ा भी गया तब ऐसा जान कर दो बोल दे कई ऐसा धीरे पूरा करते कुछ जुड़ी भी लगा होगा और जब पढ़ा करनी जरूरी कर मैदान में हो रहा है। इसका मतलब है कि आज से 48 साल पहले झारखंड बनाने के लिए झारखंड में सूदखोरी महाजनखोरी को हटाने के लिए हम सभी के आदर्श आदरणीय गुरुजी की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। हम सरकार में मंत्री हैं और इस जिला का प्रभारी भी है। अभी पूर्व वक्ताओं ने कुछ शिकायत की है, मैं आपको आश्वासन देता हूं जिला प्रभारी होने के नाते कि आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिले, आपका हर परेशानी का हल हम लोग करेंगे। जो हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि गरीबों को 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत, हमारी सरकार ने 50,000 रुपया का अतिरिक्त
भुगतान किया जाएगा। हमारी सरकार ने मराम गोम के छात्रवृत्ति एवं विदेश में पढ़ने के लिए अब सिर्फ आदिवासी ही नहीं एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सभी लोगों को भेजा जाएगा। उस्ताद आपत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।